ना जाने कितनों ने कितनों को खो दिया, ये देखकर दिल बुरी तरह रो दिया। हर जगह सिर्फ किसी को खोने की खबर है, जो कल तक हंसते गाते थे साथ में, आज उनकी कब्र है। लकड़ियों पर लेटे अब ना उठने की सबर है, आज यहां पल चुटकी भर है। ये अहंकार, ये घमंड, ये पैसा, ये शोहरत किस काम के, ये ढेर सारे लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स बताओ ना किस काम के। किससे गुहार लगाओगे जब अपने सामने अपने को खोता पाओगे। क्या ये पैसे कुछ पल खरीद लेंगे, एक घंटा, दो घंटे, और मत कर गुमान किसी बात का, हम सब जिम्मेदार हैं इस हालात का। वो भी देखा है जो अंधभक्त थे वो कैसे नास्तिक हो गए, और वो भी देखा कैसे सरकार वोटों की लालच में इलास्टिक हो गए। अब किसकी गलती यहां कहे, जितने जिम्मेदार वो हैं उतने हम भी तो हैं। हंसकर मजाक में लेते हैं हर बात को, ये कोरोना मुझे तो होगा ही नहीं, मुझे तो हो ही नहीं सकता। मैं योग करता हूं, सात्विक खाना खाता हूं, जिम करता हूं, मुझे तो हो ही नहीं सकता। मैं तो घर से निकलता भी नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह पालन करता हूं, मुझे खाक होगा। पर सच ये है कि आज वही सबसे ज्यादा इस सफर को सफर कर रहे हैं। कितने हमारे बीच में नहीं और कितने हमारे बीच में नहीं होंगे, वो सुना है ना। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, चार रोज की महिमा तेरी जिंदगानी है। जर जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजानी बन रहा है दीवानी, अपनी उम्र फानी पर तन रहा है दीवानी। किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू खुदा को भूला है पस के इस जमीले। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है। अपने अपने फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है। मिटने वाले दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इस प्यार करता है। आज समझ ले कल ये मौका हाथ न तेरे आएगा, वो गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तो हो सके तो समझ जाओ, मत खोने दो किसी और को, चाहे अपना हो या पराया, सबको एक साथ ही जीतना है, डरना नहीं लड़ना है। अगर आपने किसी अपने को खोया है तो आपसे बेहतर खोने का गम कोई नहीं समझ सकता। फिर कोई माँ अपने बेटे से जुदा ना हो पाए, फिर कोई पिता ऑक्सीजन की कमी से सांसें ना तोड़ पाए, फिर कोई बहन लॉकडाउन की वजह से अपने भाई की शक्ल आखिरी बार ना देख पाए। अब ऐसा नहीं होने देना है। ये फेसबुक पर स्टेटस लगाकर दान देने से बेहतर किसी से पूछो कुछ जरूरत है उन्हें, अगर है तो उन्हें मौका दो, उनकी जरूरतें पूरी करो। ये सरकार 5 साल बाद फिर चली जाएगी, फिर तुम्हें ललचाएगी, फिर तुम्हारे अंदर भक्ति जगाएगी, तुम्हारा जो ई जिसको ईमान कहते हैं उसके मोशंस के साथ, मतलब इमोशंस के साथ फिर खेलेगी। पर तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे अपने तुम्हें ताउम्र याद रखेंगे। याद रखें, पैसा प्रधानमंत्री कोष या कहीं दान देने से आप देशभक्त नहीं कहलाएंगे। जब अपने की मदद आप कर पाएं या किसी की सांसों की जरूरत आप बन पाएं, वो मेहनत है, वो देशभक्ति है। सोचिए ना, आपकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया।
आप इस जिंदगी में एक जिंदगी को बचा पाए। सब यहीं रह जाना है, ये पैसा, ये फैन फॉलोइंग वाला अकाउंट, ये लाइक्स, ये घर, ये गाड़ी, ये चेन, जाएगा तो सिर्फ तुम्हारा काम, वरना मरने के बाद तो नाम भी महज एक लाश बन जाती है। किसी के जाने के बाद उनके लिए अच्छा लिखने से बेहतर ये मौका है, बदल दो भविष्य, फिर कोई किसी का अपना ना जाए। आओ साथ हाथ बढ़ाएं और इस दुख की घड़ी में हम सब एक साथ आवाज उठाएं। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा, धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा, ढलता ही ढल जाएगा।